गाइस वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ग्रीन टी में कौन कौन सी वेरिएशन आप कर सकते हो, क्या क्या आप इसमें मिला सकते हो, किस किस तरह से आप इसको पी सकते हो, क्या क्या डालकर। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा पसंद आ जाए तो शेयर भी कर सकते हो फैमिली मेम्बर साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कहा मैंने फ्रेंड्स कि ग्रीन टी आप किस तरह से पी सकते हो, क्योंकि ग्रीन टी बहुत से लोग पीते हैं और बहुत से लोग जानते भी हैं और बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ग्रीन टी में आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ग्रीन टी से आपको एंटीऑक्सीडेंट रहता है, जैसे कि आपकी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है, आपको अगर स्वेलिंग वगैरह होती है तो वो ठीक होती है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट देता है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही अच्छे से आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, आपके मतलब हर एक फंक्शन को, बॉडी के सब ठीक रखता है। अगर आप इसको सही समय पर लेते हो, सही तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते हो तो काफ़ी अच्छा होता है ये आपको लेने में, और कोई भी प्रॉब्लम इससे नहीं होती है आपको। जैसे कि आप वेट लॉस कर रहे हो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर ग्रीन टी को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। डिटॉक्स वाटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप नाइट में पी सकते हो, या फिर आप देखिए सुबह में तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आप चाहते हो अगर आप पीते भी हो तो भी मैं यही कहूँगी कि आप लंच ब्रेकफास्ट के बाद पीजिए, या ब्रेकफास्ट पहले तो पीना तो बनता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा क्या खाया है क्या पिया है जो उसको पचाना है, मतलब इतना अच्छा नहीं होता। मतलब मैं कहूँगी कि उसको आपको ना लंच के बाद या फिर आपको डिनर के बाद 2 घंटे बाद ही लेना चाहिए, तो आप इसका उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको ग्रीन टी का, अगर आप इस तरह से लेते हो तो। ग्रीन टी में आप क्या क्या मिला सकते हो, तो मैं आपको इसमें 5 तरह की चीज़ें आप मिला सकते हो, तो मैं आपको बता देती हूँ। स्टीविया के पत्ते, जो स्टीविया होता है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, तो आप उसको मिला सकते हो, उससे ना थोड़ा सा स्वीटनर हो जाता है, काफ़ी स्वीट होता है वो, और थोड़ा सा अगर आप थोड़ा अच्छा नहीं लगता है टेस्ट में, लेकिन अगर आप उसको मिलाते हो ना तो फिर शुगर के लिए, शुगर की जगह अगर इसको इस्तेमाल करते हो तो बहुत अच्छा होता है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट देता है, और शुगर से आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है। लेकिन अगर स्टीविया आप इस्तेमाल करते हो अपने डेली रूटीन में, कुछ भी मीठा बना रहे हो या कुछ भी खा रहे हो, अगर आपको मीठा कुछ लेना है तो स्टीविया के पत्ते आप मिला सकते हो। लीफ आता है और ड्राई लीफ में मिलता है ये, अवेलेबल हो जाएगा, अमेजोन पर मिल जाएगा आपको, ईजिली मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप लिखोगे स्टीविया तो लीफ, स्टीविया लीफ लिखोगे तो भी आ जाएगा। तो जो ऑर्गेनिक होता है वही लीजिएगा, बहुत तरह की वैरायटी आती है, तो चूज़ आपको करना है, ये मैं नहीं बता सकती आपको कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं, बट हाँ स्वीट होता है वो, बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, स्वीटनेस बहुत ज़्यादा होती है उसमें, तो इसलिए आप इस्तेमाल कर सकते हो ग्रीन टी में। आप सेकंड चीज़, आप शहद मिला सकते हो, अगर आप शहद मिलाना चाहते हो तो शहद भी मिला सकते हो, जैसे कि हनी कोई कोई मिलाता भी होगा, और मैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं किस तरह से पीती हूँ, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी मैं किस तरह से उसको कंज्यूम करती हूँ, कैसे पीती हूँ, तो वो अगर आप फुल वीडियो देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं किस तरह से लेती हूँ। तो आप हनी के साथ भी ले सकते हो, जैसे कि कोई भी, बहुत सारे फ्लेवर में आपको अवेलेबल है ग्रीन टी, तो आप उस तरह से ले सकते हो, जो भी आपको पसंद हो फ्लेवर तो आप वो ले सकते हो। मैं जो फ्लेवर यूज़ करती हूँ मैं आपको भी बताऊँगी कौन सा लेती हूँ, तो वो भी मैं बता दूँगी। अगर आप लोग वो वाला लेते हो तो काफ़ी अच्छा है, उसमें बहुत सारे वेरिएशन 5 तरह के उसमें मिल जाते हैं, तो उसमें अलग अलग डिफरेंट तरह के मिल जाते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। लेकिन आपको उनके साथ में आप क्या मिलाना चाहते हो क्या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप हनी ले सकते हो। हनी बहुत ही अच्छा होता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को तो मजबूत करता ही है, लेकिन आपको ना बहुत ही अच्छा हेल्थ में बेनिफिट देता है। जैसे कि आप चीनी की जगह नहीं यूज़ कर सकते, मतलब अच्छा लगता है अगर हनी डाल देते हो, या फिर आप उसमें कुछ और भी चीज़ें मिलाते हैं, तो वो भी बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को। आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हो, जैसे थोड़ा हनी डाल लिया, थोड़ा सा लेमन ऐड कर लिया, तो थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस होता है, और आपका जो विटामिन सी भी इस तरह से आपको अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा आपकी बॉडी को, चला जाएगा बॉडी में, और आपके फेस पर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, दाग धब्बे वगैरह हैं, वो भी धीरे धीरे रिमूव होंगे, और रिंकल्स वगैरह हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। इस तरह से आप अगर डेली रूटीन में आप इस तरह से लेते हो, अगर
लेमन को, अगर आप ऐसे नहीं लेना चाहते हो जैसे वाटर के साथ, तो आप ग्रीन टी में भी ले सकते हो, तो काफ़ी अच्छी वैरायटी भी हो जाती है, चेंज भी हो जाता है टेस्ट में, और पीने में बहुत अच्छा लगता है जब आप पियोगे। अगर आप लोगों ने इस तरह से नहीं ट्राई किया है तो ट्राई कीजिए, बहुत मज़ा आता है इस तरह से ट्राई करने में। आप इसमें पुदीना और दालचीनी भी मिला सकते हो, इससे क्या होता है कि आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, पाचन क्रिया है, वो भी ठीक हो जाती है। जैसे कि और आपको मेटाबॉलिक सिस्टम भी बहुत सही हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम तो ठीक होता ही है, लेकिन वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है, तो आप इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हो। और इसमें आप लास्ट इंग्रेडिएंट्स, आप इसमें अदरक मिला सकते हो, जिंजर आप डाल सकते हो, जिंजर से बहुत अच्छा होता है। जिंजर अगर आप लोग इसमें डाल देते हो ना, तो आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है जैसे कि वेट लॉस करना है, या फिर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा गेन हो गया है वेट, तो फिर आप उससे वेट लॉस कर सकते हो। आप जिंजर को इस तरह से इस्तेमाल करके देखिए, बहुत फ़ायदा होता है, और इससे आपको बहुत ज़्यादा, जैसे अगर आप कुछ इस तरह की चीज़ें, जैसे किसी किसी को कोई बीमारियां वगैरह हुई हो, डायबिटीज़ हो गई, जैसे कि अस्थमा हो गया, पीरियड्स में कोई बहुत ज़्यादा पेन होता है आपको, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। आप इससे इस्तेमाल करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मैं ये वाली ग्रीन टी लेती हूँ, ऑर्गेनिक इंडिया है ये, और इसमें आपको 5 फ्लेवर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको इधर दिख रहे होंगे, ये देख सकते हो आप, तो इसमें ये फ्लेवर मिल जाते हैं, जैसे कि आपको इसमें कौन कौन सा फ्लेवर मिल जाएगा, इसमें आपको हनी मिल जाएगा, नहीं हनी, सॉरी पीछे एक मिनट बता रही हूँ, देखिए इसमें इतने तरह के आते हैं, 25 होते हैं इसमें, और आप देख सकते हो इस तरह के पाउचेस में आता है ये, और इसमें ना तुलसी ग्रीन फ्लेवर है, मतलब तुलसी का फ्लेवर है इसमें, और लेमन और जिंजर का फ्लेवर भी है इसमें, ये देख सकते हो आप, और इसमें पोमोग्रेनेट भी है, तो बहुत अच्छा होता है पोमोग्रेनेट, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो पोमोग्रेनेट बहुत अच्छा होता है, तो आप इसको ले सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर्सनली बता रही हूँ। अगर आप सिर्फ पोमोग्रेनेट ही यूज़ कर रहे हो ना, तो आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड ग्लोइंग हो जाएगी। आप इसको एक बार यूज़ करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, आप हमेशा इसको यूज़ करते रहिए, लेकिन हाँ, पूरे टाइम इसको यूज़ मत कीजिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि हमेशा यूज़ करते हैं ना, तो आपकी बॉडी उसको मतलब उसकी हैबिट हो जाती है, तो हर चीज़ को चेंज करते रहिए, अलग अलग फ्लेवर में लाइए, कभी एप्पल फ्लेवर में, जैसे कि आपको क्या एप्पल का जो विनेगर वाला होता है ना, उसका भी ग्रीन टी मिलता है, तो आप वो भी ले सकते हो। इसमें आपको जैस्मिन भी मिल जाएगा, जैस्मिन है इसमें, और ग्रीन टी जैस्मिन वाला है, तुलसी ग्रीन टी जैस्मिन, और इसमें ना ये आपकी अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, आपको नींद नहीं आती, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे ना बहुत अच्छी सी एक नींद आती है। मैं नाइट में मैं ये भी बता देती हूँ आपको, मैंने ये कब लेती हूँ, तो मैं इसको डिनर के 2 घंटे बाद ही लेती हूँ, 2 या 3 घंटे बाद ले लेती हूँ, क्योंकि डिनर के बाद ही मैं ये, और मैं एक ही टाइम लेती हूँ, सिर्फ डिनर के बाद, मैं इसको 2 टाइम नहीं लेती, जैसे कि कोई कोई लंच में भी, लंच के बाद भी ले लेता है, बट मैं लंच के बाद नहीं लेती हूँ, मैं हमेशा डिनर के बाद ही लेती हूँ, तो एक टाइम ही मैं इसको यूज़ करती हूँ। और इसमें आपको एरल ग्रे क्या होता है, ये शायद नया आया है इसमें, तो ये वाला फ्लेवर अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया, तो अभी मैं ये वाला फ्लेवर भी लूँगी, पता नहीं कैसा होगा, बट ये वाला था नहीं अभी तक, और ये भी फ्लेवर अच्छा ही होगा। इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, इसकी
इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी है, और ये देख सकते हो आप इस तरह के पाउच में आता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए एक बार, और उसके बाद आप अपने फेस के लिए, आपकी आई आई के ऊपर भी रखने के लिए, आप फ्रिज में रख दीजिए 2 पाउच को, और आप आईज पैक की तरह यूज़ कर सकते हो। आपकी पफिनेस है आई है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसको आप वेस्ट मत किया करिए, इसको इससे आप फेशियल भी कर सकते हो। यूज़ करने के बाद आपने कंज्यूम कर लिया है, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप इसको अलग अलग वैरायटी के साथ, जैसे कि आपने आई के साथ आई पर आई पैड के रूप में यूज़ कर लिया, या फिर आप इसका फेशियल भी कर सकते हो, या फिर आप फेस पैक में भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप बॉडी ओपनर बना रहे हो उसमें भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी वेरिएशन आप कर सकते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह से इसको यूज़ कर लेती हूँ, फेंकती बिल्कुल भी नहीं हूँ, मतलब इसको पीने के बाद मैं फेंकती नहीं हूँ, इसका मैं यूज़ कर ही लेती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रिज में से फिर मैं यूज़ करती रहती हूँ इनको। तो मैंने बता दिया आप लोगों को, अगर आप लोगों को ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, और लाइक जरूर, पसंद आ गया हो तो शेयर भी कर सकते हो फैमिली मेम्बर साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो प्लीज़ यार शेयर तो करना बनता है यार, इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देती हूँ मैं आप लोगों को, शेयर तो करना ही और कहना ही चाहिए। तो और हाँ, जो ही मेरे न्यू व्यूअर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन आएगा फ्रेंड्स, तो उसको भी हिट कर देना, और जैसे आप हिट करोगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, न्यू वीडियो को आप चेकअप कर सकते हो। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।